दीदी ममता और टीएमसी सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट रो झटका। राज्य पुलिस हाथ सीबीआई को जीव पश्चिम बंग निर्वाचन परवर्ती हिंसार तदंत भार गणा हेबो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ममता सरकार को उपरे नहीं भरोसा, हाईकोर्ट करिबे सबु तदंतर प्रत्यक्ष तत्वावधान। निष्पत्ति को राज्य और जातीय स्तरीय बीजेपी नेता स्वागत। पश्चिम बंगरे दीदी ममता बनर्जी एवं तांको नेतृत्वाधीन शासक टीएमसी को बड़ झटका। गत विधानसभा साधारण निर्वाचन में क्षमता हाथेबा को जाई राज्यव्यापी टीएमसी जो हिंसा और रक्तपात चलाइतिला एबे तार तदंतभार ग्रहण करिब सीबीआई। विशेषकर निर्वाचन परवर्ती जो हत्या दुष्कर्म इत्यादि घटीला तार तदंतभार सीबीआई को देवाई आदेश देखते कोलकाता हाईकोर्ट। यह सहित निर्वाचन समय रे एवं परे अन्य जो सब अपराध घटी तार तदंत पाई एक एसआईटी मध्य गठन करने को कोर्ट आदेश देखते जो थे राज्य क्याडर वरिष्ठ अधिकारी एवं अवसरप्राप्त विचारपति रखा कई। निर्वाचन हिंसार तदंतभार सीबीआई को देवाई हाईकोर्ट रे आवेदन करते अनेक आवेदनकारी। यह सहित जातीय मानवाधिकार कमिशन मध्य एथिपाई कोर्टर द्वारस्थ होइतिले जहां को कोर्ट ग्रहण करी एही आदेश देइछन्ती। देखिए मैं अपनी बात कहना ही शुरू करूंगी कि ये सत्य की जीत हुई है, तो सत्यमेव जयते। पश्चिम बंगाल के लोगों का विश्वास जो है वो आज एक बार फिर जो है वो लॉ सिस्टम पर पूरी तरह से लोग इससे विश्वास कर पाएंगे। एबे यहाँ तदंत सीबीआई को देवा द्वारा सबुआड़े खुशी प्रकाश पाई। गणतंत्र रे समस्तंकर निज आदर्श प्रचार करिवार अधिकार रहिछि, मात्र केही हिंसा सृष्टि करिवा उचित नुहे बोली कहिछन्ति केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर। निर्णय का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा की बात रखने की, अपनी सरकार की नीतियों को कार्यक्रमों को रखने की आजादी है, लेकिन किसी को मारने काटने की, झगड़ा करने की और घायल करने की इजाजत नहीं है। सरकार तथा राज्य पुलिस तदंतरे जानिशुणी अवहेला प्रदर्शन करिथिबारु असंतोष प्रकाश करिछन्ति हाईकोर्ट। तदंतर समस्त डॉक्यूमेंट तुरंत सीबीआई को हस्तांतर करिबा पई आदेश दिया जायछि। निजे कोर्ट उभय सीबीआई एवं एसआईटी तदंतर प्रत्यक्ष तत्वावधान करिबे बोली स्पष्ट करिछन्ति। एबे पीड़ित लोकंकु उपयुक्त न्याय मिलिबो बोली प्रकाश करिछन्ति बीजेपी मुखपात्र गौरव भाटिया। कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंसा हुई थी उस पर एक अहम फैसला दिया है। ये जो फैसला है ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया है, ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्वाचन समय एवं परे टीएमसी गुंडांक द्वारा राज्य रे व्यापक हत्या दुष्कर्म जलापोड़ा एवं संपत्ति लुंठन भली अपराध संगठित होइतिला जहार शिकार होइतिले अनेक बीजेपी समर्थक। एपरिकी पूर्वरु हाईकोर्ट का निर्देश रे जो मानवाधिकार कमिशन रा सदस्य माने तदंत करबाकु जाइतिले सेमानक उपर मध्य आक्रमण होइतिला। एबे सीबीआई एवं एसआईटी तदंत को सब स्तर रे स्वागत करा जाइतिबा बेले निजरा भावमूर्ति सजाड़ीबाकु टीएमसी तरफरु निष्पत्तिर पुनर्विचार पई हाईकोर्ट रे आवेदन करा जीवो बोली कहा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।